नमस्कार मित्रों, देसर ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस हिस्ट्री का 6th चैप्टर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड अदर वीकर सेक्शंस। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में पूछिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। वुमेन हैड पार्टिसिपेटेड एक्सटेंसिवली इन द फ्रीडम स्ट्रगल। देखिए, हमारे स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का सहभाग काफी महत्वपूर्ण था। वुमेन हैव ऑल्सो मेड इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस इन ऑल फील्ड्स इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड टू। स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद भी महिलाओं ने अनेक क्षेत्रों में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दैट इज वॉट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर एज ऑल्सो द लॉज एनेक्टेड फॉर वुमेन एंड अदर वीकर सेक्शंस। तो इस चैप्टर में हम महिलाओं के लिए क्या अधिनियम कानून बनाए गए हैं और बाकी वीकर सेक्शन जो कमजोर तबका है समाज का उनके लिए क्या कानून बनाए गए हैं वो देखेंगे। नो दिस नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मेन, नंबर ईयर ऑफ सेंसस नंबर ऑफ वुमेन 1951 में 946 वुमेन पर 1000 मेन थे। ये 1961 है, ये मिसप्रिंट है। 1961 में 941 मेन पर 941 वुमेन पर 1000 मेन थे। 1971 में 930 वुमेन पर 1000 मेन। 1981 में 934, 91 में 927, 2001 में 933। फाइंड आउट द रीजंस व्हाई द नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मेन इन द पॉपुलेशन वाज डिक्रीजिंग। इसका कारण मुख्यतः ये है कि फीमेल फिटसाइड, यानी अगर गर्भ में पता चलता है कि कोई लड़की है तो उसे पैदा होने से पहले ही मार देते थे, ये कारण था। लेकिन बाद में जन जागृति करने के बाद, काफी कानून स्ट्रिक्ट बनाने के बाद इसमें थोड़ा सुधार आया है। When we study the condition of women in India, we realize that the roots of several of the problems they face lie in the mentality of men. पुरुषों के मानसिकता के कारण मुख्यतः कुछ समस्याएं आती हैं महिलाओं को। Even in the 21st century, we have not been able to rid ourselves of this male-centered mentality. पुरुष केंद्रित मानसिकता, यानी पुरुषों को अधिक महत्व देना वगैरह, ये जो मानसिकता है इससे कुछ लोग मतलब अलग नहीं हो पाए हैं। विनोबा भावे मेड यूज ऑफ वुमेन पावर इन द भूदान मूवमेंट विच ही हैड स्टार्टेड प्लेइंग हिज फेथ इन महात्मा गांधीज फिलोसॉफी। गांधी जी के विचारधारा पर विश्वास रख के विनोबा भावे समाज सुधारक थे, उन्होंने भूदान आंदोलन शुरू किया था। भूदान आंदोलन यानी जो जमींदार थे उनके पास जो जमीन थी वो गरीब किसानों में डिस्ट्रीब्यूट करने का आंदोलन था। वुमेन वॉलंटियर्स कैरिड द मैसेज ऑफ भूदान टू ऑल द पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो इसमें महिलाओं का सहभाग काफी महत्वपूर्ण रहा, उन्होंने पूरे भारत भर में ये भूदान आंदोलन शुरू किया। वुमेन प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द तेलंगाना पीसेंट्स आर्म स्ट्रगल विच चैलेंज द रूल ऑफ द निजाम्स एंड द फ्यूडल सिस्टम। तेलंगाना स्टेट में, यानी तब के हैदराबाद स्टेट में, जो निजाम शाही थी, निजाम का रूल था, भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भी जो मराठवाड़ा और तेलंगाना रीजन है उसका, उस पर एक राजा राज कर रहा था, निजाम जो था, उस वो राजा काफी अत्याचार कर रहा था लोगों पर। तो वहां के लोगों ने उसके विरुद्ध आंदोलन किया और भारत में मिला लिया उस रीजन को, तो उसे बोलते हैं हैदराबाद मुक्ति संग्राम। तो ये जो है तेलंगाना में भी किसानों ने आर्म स्ट्रगल किया था उसे लड़ने के लिए, यानी वेपन्स के साथ स्ट्रगल किया था और जमींदारी के विरुद्ध। एज देयर रीजन बिकेम फ्री फ्रॉम बॉन्डेड लेबर, वुमेन ऑल्सो फाउंड फ्रीडम फ्रॉम दिस टॉर्मेंट। तो उनके बाद जमींदारी पद्धति से मुक्ति हुई लोगों की, और बॉन्डेड लेबर यानी जो बंदीकृत लेबर्स थे, मजदूर थे, यानी उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी, कई पीढ़ियां और आगे की भी पीढ़ियां उस जमींदार के खेती किसानों पर वहीं पर काम करना पड़ता था उन्हें, और उन्हें कुछ पैसा भी नहीं मिलता था। तो उससे उन्हें स्वतंत्रता मिल गई और उसके अत्याचारों से भी उनकी
मुक्ति हुई. मैनिफेस्टेशन ऑफ वुमेन पावर. वुमेन हु हैव टू फेस द ब्रंट ऑफ स्कैसिटी ऑफ सप्लाईज एंड राइजिंग प्राइसेस गेव अ शो ऑफ देयर स्ट्रेंथ एज एन ऑर्गेनाइज्ड एंटिटी इन 1972. 1972 में स्वतंत्रता के बाद पहली बार जो है महिलाओं की यूनाइटेड शक्ति का प्रदर्शन हुआ. कैसे? कीमतें काफी बढ़ चुकी थी, जो जीवनावश्यक वस्तुएं हैं उनकी मूल्य काफी बढ़ चुका था. अंडर द लीडरशिप ऑफ द सोशलिस्ट लीडर मृणाल गोरे वुमेन इन मुंबई पार्टिसिपेटेड इन अ डेमोन्स्ट्रेशन विच केम टू बी नोन एज लाटने मोर्चा द रोलिंग पिन डेमोन्स्ट्रेशन. तो जो उस समय की समाजवादी लीडर थी, नेता थी मृणाल गोरे, उनके लीडरशिप के अंडर मुंबई में महिलाओं ने महंगाई के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा जिसका नाम था लाटने मोर्चा. लाटने यानी बेलन जिसे कहते हैं, रोलिंग पिन यानी बेलन. कमोडिटीज लाइक ऑयल, घी, रवा, मैदा वुड बिकम स्कैर्स एज जस्ट एज दिवाली वॉज नियर एट हैंड. दिवाली पास आई थी 1972 में, और जो दिवाली में जो वस्तुएं लगती है जैसे ऑयल, घी, रवा, मैदा, ये सारी बहुत स्कैर्स हो चुकी थी, उनकी बहुत कमी थी. केरोसिन हैड बिकम वेरी एक्सपेंसिव. और उस समय गैस नहीं था इतना, केरोसिन पर जो थे वो महिलाएं कुकिंग करती थी, तो वो भी बहुत महंगा हो चुका था. वुमेन केम टुगेदर ब्रैंडिशिंग देयर रोलिंग पिंस एंड टुक पार्ट इन द डेमोन्स्ट्रेशन. तो महिलाओं ने अपने हाथ में बेलन लेकर आंदोलन किया. अभी देखिए, महिलाएं जब हाथ में बेलन लेती है तब उसके सामने किसी को भी झुकना ही पड़ता है, तब उस समय की सरकार भी झुक गई थी. तो इतनी पावर होती है महिलाओं के बेलन में, बच के रहना चाहिए. दिस मूवमेंट मेट विद सक्सेस एंड द पब्लिक गॉट अ ग्लिम्स ऑफ यूनाइटेड पावर ऑफ वुमेन. इससे सरकार को झुकना पड़ा और उनकी मांगे माननी पड़ी और महिलाओं की एकत्रित शक्ति का प्रदर्शन हुआ. द चिपको मूवमेंट. अनदर शो ऑफ कंस्ट्रक्टिव वुमेन पावर वॉज सीन ड्यूरिंग चिपको मूवमेंट इन 1973 में चिपको आंदोलन हुआ था. अभी ये क्या है आगे पता चलेगा. ट्रीज फ्रॉम द फॉरेस्ट इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालय वेर टू बी कट डाउन फॉर कमर्शियल पर्पजेस. हिमालय के हिमालय माउंटेन के फुट में यानी नीचे जो है वहां पर जो पेड़ थे वो काटने का आदेश निकाला था शासन ने. तो चंडी प्रसाद भट्ट एंड सुंदरलाल बहुगुणा हैड स्टार्टेड अ मूवमेंट टू प्रिवेंट दिस. तो उन पेड़ों को काटने से रोकने के लिए चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा इन्होंने आंदोलन शुरू किया उसे रोकने के लिए. वुमेन फॉलोड द स्ट्रेटेजी ऑफ होल्डिंग हैंड्स एंड एनसर्कलिंग ईच ट्री. तो महिलाओं ने क्या किया, हाथ में हाथ पकड़कर एक एक पेड़ को घेरना शुरू किया और कई सारे महिलाओं ने पेड़ों को गले लगाना शुरू किया. तो इससे यानी पेड़ों को चिपकने की मूवमेंट से उसका चिपको नाम पड़ा. तो एज देयर मेथड कंसिस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग द ट्री बाय एम्ब्रेसिंग इट द मूवमेंट केम टू बी नोन एज द चिपको मूवमेंट. तो पेड़ को गले लगाकर जो आंदोलन किया गया था उसे कहते हैं चिपको आंदोलन. वुमेन टुक पार्ट इन इट बाय लार्ज नंबर्स. इसमें महिलाओं ने काफी बड़ा योगदान दिया. वुमेन हैड अ बिग रोल टू प्ले इन द एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ऑफ दिस रीजन. यहां पर जो खेती वगैरह की जाती थी उसमें महिलाओं का काफी महत्वपूर्ण उनकी भूमिका थी. गौरा देवी वॉज द एक्टिविस्ट हु क्रिएटेड दिस अवेयरनेस अमंग द वुमेन विद द हेल्प ऑफ सुदेशा देवी एंड बचनी देवी. तो गौरा देवी, ये उनकी लीडरशिप के अंडर ये हुआ था. ठीक है. एंटी लीकर मूवमेंट. लीकर यानी दारू. इन 1992 इन आंध्र प्रदेश अ मूवमेंट वॉज स्टार्टेड अगेंस्ट द ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल. 1992 में शराब मदिरा के विरुद्ध में आंध्र प्रदेश में आंदोलन किया गया था. इट रिसीव्ड अ गुड रिस्पॉन्स इन अदर स्टेट्स. बाकी राज्यों में भी इसे अच्छा प्रतिसाद मिला, रिस्पॉन्स मिला. When the head of the household dies an untimely death due to addiction to alcohol, the family faces a serious crisis which affects women the most. देखिए, जब कोई पुरुष, एक फैमिली का पुरुष जब एक अकाल मृत्यु होती है उसकी
शराब के नशे के कारण या उसके एडिक्शन के कारण, तब क्या होता है, उसका जो उसकी जो फैमिली पीछे रहती है उसे काफी समस्याओं को जूझना पड़ता है, विशेषतः महिलाओं को। ड्यू टू अल्कोहलिज्म दे हैव टू डील विद एक्सट्रीम सोरो एंड पॉवर्टी। तो अल्कोहलिज्म के कारण यानी दारू का जो व्यसन होता है, जो एडिक्शन होता है, उसके कारण बहुत गरीबी आती है, दुख झेलना पड़ता है पूरे फैमिली को। दिस मूवमेंट गॉट द सपोर्ट ऑफ एंटी अरेक मूवमेंट इन आंध्र प्रदेश। तो इस आंदोलन को जो एंटी अरेक मूवमेंट है, अरेक यानी देशी दारू को बोलते हैं, तो उसको उसका भी सपोर्ट मिला आंध्र प्रदेश में। एज अ रिजल्ट ऑफ अ गवर्नमेंट पॉलिसी अरेक अ लोकली प्रोड्यूस अल्कोहल डीलर्स सेट अप शॉप इन एवरी टाउन एंड विलेज। देखिए उस समय के शासन के नियम के अनुसार देशी दारू के दुकान हर गांव में, हर शहर में बनाए गए थे। द पुअर लेबरिंग पीपल बिगन टू गेट एडिक्टेड टू अल्कोहल। जो गरीब लोग थे, मजदूर वगैरह, उनको धीरे धीरे उसकी आदत लत लगने लगी। एट द सेम टाइम अ लिटरेसी प्रोग्राम वॉज ऑल्सो बींग रन इन द विलेजेस ऑफ द स्टेट। उसी के साथ साथ शिक्षा यानी सिखाने का अभियान भी शुरू किया गया था हर एक गांव में। द सीता माँ कथा, सीता स्टोरी वॉज नैरेटेड एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। सीता माँ कथा यानी सीता की कथा, ये लोगों को बताकर जन जागृति की गई थी। इट वॉज अ स्टोरी अबाउट सीता हु क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग द पीपल ऑफ अ विलेज एंड गेट्स अल्कोहल टू बी बैंड फ्रॉम द विलेज। ये ऐसी कहानी थी, उसमें एक सीता नाम की स्त्री होती है, महिला, और वो लोगों में जन जागृति करवा के उस गांव में अल्कोहल को बैन करवा देती है। इन 1992 थ्री यूथ्स ऑफ दुब्बुगंटा विलेज ऑफ नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश ड्रॉन इन अ लेग इन अ स्टेट ऑफ इनएब्रिएशन एंड डाइड। 1992 में क्या हुआ, तीन युवक दुबगंटा गांव के, नेल्लोर जनपद डिस्ट्रिक्ट के, आंध्र प्रदेश में, जो इनेब्रिएशन यानी शराब के नशे में वो डूब गए एक लेक में और वो मर गए। एट दिस इंस्टेंस द वुमेन ऑफ द विलेज केम टुगेदर एंड फोर्स द क्लोजर ऑफ अरेक शॉप्स। इस पर चिढ़कर, गुस्सा होकर महिलाओं ने उस गांव के आंदोलन किया और उस दारू के दुकान को बंद करवा दिया। द रिपोर्ट ऑफ दिस न्यूज इन द लोकल न्यूज पेपर्स हैड इट्स इफेक्ट ऑन मेनी अदर विलेजेस। इसका परिणाम बाकी गांव में भी हुआ, न्यूज जब फैल गई तब। द मूवमेंट स्प्रेड टू द एंटायर स्टेट एंड द गवर्नमेंट हैड टू अडॉप्ट अ स्ट्रिक्ट पॉलिसी अगेंस्ट द सेल ऑफ अल्कोहल। इस तरीके से पूरे राज्य में यह आंदोलन फैल गया और शासन को नियम बनाने पड़े, स्ट्रिक्ट नियम बनाने पड़े अल्कोहल दारू बेचने के विरुद्ध में। इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष। द यूनाइटेड नेशंस हैड डिक्लेयर्ड 1975 एज द इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर। यूनाइटेड नेशंस ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया था। द थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ दिस प्रोग्राम वेयर पीस, डेवलपमेंट एंड इक्वेलिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन। तो इस पर जो है तीन प्रोग्राम्स डिसाइड किए गए थे। एक तो शांति, उसके बाद महिलाओं और पुरुषों के बीच में इक्वेलिटी प्रस्थापित करना, ठीक है, उनका विकास करना महिलाओं का, ये भी। इन 1975 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड कमिटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन एंड अपॉइंटेड डॉक्टर फुलरेणु गुहा एज इट्स चेयरमैन। महिलाओं के लिए एक आयोग बनाया गया, कमिटी बनाई गई और महिलाओं का स्टेटस सुधारने के लिए फुलरेणु गुहा के अध्यक्षता में एक कमिटी बनाई गई। अ कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे वॉज कंडक्टेड ऑफ सेवरल इशूज सच एज द सोशल पोजिशन ऑफ वुमेन, द स्टेटस, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन्स मेड फॉर वुमेन, एज ऑल्सो एजुकेशन ऑफ वुमेन एंड इट्स परसेंटेज, देयर प्रोग्रेस ड्यू टू एजुकेशन, डिफिकल्टीज फेस बाय वर्किंग वुमेन, द पोजिशन ऑफ वुमेन विथ रिस्पेक्ट टू वर्क लाइवलीहुड, देयर वेजेस रिलेटिव टू मेन्स वेजेस, द फीमेल मेल रेशियो, बर्थ एंड मॉर्टेलिटी रेट्स एंड द रोल ऑफ वुमेन। देखिए कौन सी बातें स्टडी करने के लिए ये कमिटी बनाई गई थी। तो महिलाओं का समाज में स्थान क्या है, उनका स्टेटस क्या है, उसके बाद
जो शासन ने नियम बनाए गए हैं, जो अधिनियम कानून बनाए गए हैं, उससे उसमें क्या सुधारणा हुई है, फिर महिलाओं का शिक्षा कितनी है, उनका लिटरेसी रेट क्या है, फिर उसका शिक्षा के कारण उनका क्या प्रगति हुई है, और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में जो नौकरी करती हैं महिलाएं, उन्हें क्या समस्याएं हैं वो, और उसके बाद जो जहाँ पर वो काम करती है, नौकरियाँ करती है, वहाँ पर उनको क्या समस्याएं आ रही है, फिर उन्हें क्या पुरुषों के बराबरी से उन्हें अधिकार मिलते हैं, उन्हें जो सैलरीज मिलती है क्या उन्हें पुरुषों के इक्वल मिलती है या कम मिलती है, ये स्टडी करना किया गया। फिर फीमेल मेल रेशो, फीमेल मेल रेशो कितना है, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1,000 मेल्स, बर्थ एंड मॉर्टेलिटी रेट्स एंड रोल ऑफ वुमेन, जो महिलाओं का जन्म दर है, उनका मृत्यु दर है, उसके बारे में स्टडी किया गया, और महिलाओं की भूमिका क्या है समाज में, उसके बारे में भी स्टडी करने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन दिस एंटायर बैकग्राउंड, अ स्टेट वाइड कॉन्फ्रेंस फॉर वुमेन वॉज हेल्ड इन 1975 ऑर्गेनाइज बाय द स्त्री मुक्ति संघर्ष समिति। हमारे राज्य महाराष्ट्र में 1975 में स्त्री मुक्ति संघर्ष समिति की परिषद ली गई थी, कॉन्फ्रेंस ली गई थी, मीटिंग। वुमेन फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ रीजन्स पार्टिसिपेटेड इन इट, तो सभी क्षेत्रों से महिलाओं ने इसमें सहभाग हो लिया था। द समिति पब्लिश्ड इट्स मैनिफेस्टो इन 1978, तो उन्होंने अपना मैनिफेस्टो, जाहिरनामा उन्होंने 1978 में प्रकाशित किया। द पॉलिसी ऑफ अ स्ट्रगल अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर कास्ट एंड वर्ण वॉज एडॉप्टेड, तो जो भेदभाव किया जाता था लिंग के आधार पर या फिर जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर, उसके विरोध में नीति बनाई गई। दिस गेव राइज टू अ कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स कॉल्ड स्त्री मुक्ति ची ललकारी, अ स्ट्रीट प्ले कॉल्ड मुलगी झाली हो बाय ज्योति म्हापसेकर एंड अ पीरियोडिकल कॉल्ड प्रेरक ललकारी विच बिकेम देयर माउथपीस एंड अदर सच प्रोग्राम्स। तो देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ गाने बनाए जैसे स्त्री मुक्ति ची ललकारी, ये जो नाम का गाना है, फिर उसके बाद मुलगी झाली हो नाम का एक पथनाट्य, यानी रास्ते पर जो नाटक करवाया करके लोगों में जागृति की जाती है वो, फिर पीरियोडिकल यानी एक मंथली मैगजीन शुरू किया प्रेरक ललकारी, वो उनका मुखपत्र बना, यानी उनकी जो भी भूमिका है वो उस मैगजीन से बताई जाने लगी, रिलीज की जाने लगी, उस ऐसे कई सारे प्रोग्राम शुरू किए उन्होंने। इन 1977 ग्रुप्स लाइक स्त्री मुक्ति आंदोलन समिति एस्टेब्लिश बाय सौदामिनी राव इन पुणे, बायजा अ फोर्टनाइटली, एज ऑल्सो स्त्री वाच मैत्रीण एंड स्त्री अनन्य विरोधी मंच इन औरंगाबाद, महिला दक्षता समिति इन कोल्हापुर, महिला हक्क इन नाशिक एंड नारी प्रबोधन मंच इन लातूर वेर फॉर्म। तो स्त्री मुक्ति आंदोलन समिति स्थापन की गई 1971 में सौदामिनी राव द्वारा पुणे में, और बायजा नाम का एक फोर्टनाइटली यानी हर 15 दिन बाद रिलीज होने वाला मैगजीन शुरू किया गया। फिर स्त्री वाच यानी स्त्री कह रही है उसका आवाज़ है, मैत्रीण यानी फ्रेंड, फीमेल फ्रेंड, स्त्री अन्याय विरोधी मंच यानी स्त्री पर जो अन्याय हो रहा है उसके विरोधी आवाज़ उठाने के लिए मंच औरंगाबाद में बनाया गया, महिला दक्षता समिति कोल्हापुर में स्थापन की गई, महिला हक नासिक में स्थापन किया गया, नारी प्रबोधन मंच यानी महिलाओं में जन जागृति करना, प्रबोधन यानी जन जागृति करने के लिए जो मंच बनाया गया लातूर में, ये सब बनाए गए। एंटी डाउरी प्रोटेक्शन कमिटीज वेर फॉर्म ऑल ओवर महाराष्ट्र। जो डाउरी ली जाता है यानी दहेज की प्रथा जो थी, हुंडा, उसके अगेंस्ट जो है आयोग बनाए गए, अलग अलग कमिटीज बनाई गई महाराष्ट्र में। अ कॉन्फ्रेंस टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ वुमेन वॉज ऑर्गेनाइज इन धुले सिटी, एक कॉन्फ्रेंस बनाई गई महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए, उनके उन उनका उन पर जो अत्याचार होते हैं उसके विरुद्ध आवाज उठाने के लिए धुले में। विद्या बाल्स पीरियोडिकल्स नारी समता मंच एंड मिलून सार्याजणी एज ऑल्सो द वर्क ऑफ समाजवादी महिला सभा एंड द क्रांतिकारी महिला संगठना वेर ऑफ ग्रेट हेल्प इन डीलिंग विथ वुमेन्स इश्यूज, महिलाओं की समस्याओं को जूझने के लिए विद्या बाल ने पीरियोडिकल शुरू किए, मैगजीन्स वगैरह शुरू किए, जैसे नारी समता मंच और मिलून सार्याजणी यानी मिलकर सब जन,
फिर उसके बाद समाजवादी महिला सभा और क्रांतिकारी महिला संगठन वगैरह स्थापन किए गए। उन्होंने महिलाओं की समस्या के लिए काफ़ी आवाज़ उठाया। द एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इन महाराष्ट्र ऑल्सो हेल्प टू एम्पावर वुमेन, महिलाओं को रोजगार देने के लिए महाराष्ट्र में और उनकी सशक्तिकरण के लिए, उनको पावर देने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। प्रमिला दंडवते एस्टैब्लिश द महिला दक्षता समिति इन दिल्ली इन 1976। प्रमिला दंडवते ने महिला दक्षता समिति स्थापन की दिल्ली में 1976 में। ब्रांचेस ऑफ द समिति केम अप इन द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड पंजाब। इन सभी राज्यों में इस समिति की स्थापना, ब्रांचेस की स्थापना की गई। द कम्युनिस्ट पार्टी एस्टैब्लिश आखिर भारतीय जनवादी महिला संगठना इन 1980। कम्युनिस्ट पार्टी ने इसकी स्थापना की, अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठना इन 1980। एफर्ट्स वेर मेड टू स्टार्ट ब्रांचेस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, सभी भारत के सभी स्थानों पर इसके ब्रांचेस स्थापन करने की कोशिश की गई। द संगठना स्टार्टेड अ स्ट्रगल अगेंस्ट इश्यूज लाइक डाउरी, फीमेल फिटिसाइड, डोमेस्टिक एब्यूज। तो महिलाओं के जो समस्याएं थी जैसे दहेज की प्रथा या फिर फीमेल फिटिसाइड यानी स्त्री बच्चे को पेट में ही मार देना गर्भ में ही, फिर जो घरेलू हिंसा होती है उसके विरुद्ध भी आवाज उठाई गई। रिसर्च ऑन वुमेन्स इश्यूज वॉज अंडरटेकन एट वेरियस लेवल्स, तो इस पर रिसर्च किया गया, स्टडी की गई महिलाओं की समस्याओं पर। वुमेन स्टडी सेंटर्स वे स्टार्टेड एट द फर्स्ट वुमेन्स यूनिवर्सिटी द श्रीमती नथीबाई दामोदर ठाकर से SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी मुंबई, मुंबई की जो पहली महिला यूनिवर्सिटी है वो उसमें ये शुरू किया गया, ठीक है, वुमेन स्टडी सेंटर मुंबई में। एट टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस मुंबई, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी एंड शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर, इन यूनिवर्सिटीज में महिलाओं के लिए स्टडी सेंटर्स बनाए गए। दीज सेंटर्स प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिटिकल एनालिसिस एंड डेवलपिंग अ विजन ऑन वुमेन्स इश्यूज, महिलाओं की समस्याओं की स्टडी करने के लिए, उसका एनालिसिस करने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए इन यूनिवर्सिटीज ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लॉज फॉर वुमेन, द लॉ एनेक्टेड इन 1952 रिकोगनाइजेस वुमेन्स राइट टू एलिमनी एंड देयर शेयर इन फादर्स प्रॉपर्टी। 1952 में बनाए गए अधिनियम के अनुसार महिलाओं को अधिकार दिया गया एलिमनी यानी डिवोर्स के बाद भी पति को अपने डिवोर्स हुए पत्नी को कुछ पैसे देने पड़ते हैं मंथली उसके डेली लाइफ के लिए, तो उसे बोलते हैं एलिमनी। और पिता के प्रॉपर्टी में भी उन्हें अधिकार दिया गया। हर राइट टू स्त्री धन वॉज रिकोगनाइज यानी उन्हें स्त्री धन का भी अधिकार दिया गया यानी महिला को विवाह के समय जो भी संपत्ति मिलती है उसको, उसे बोलते हैं स्त्री धन, उसका भी अधिकार दिया गया। पॉलीगैमी वॉज मेड इलीगल एंड वुमेन जस्ट लाइक मैन गॉट द राइट टू स्यू फॉर डिवोर्स। तो पॉलीगैमी यानी बहुपत्नी प्रथा यानी एक ही पुरुष को कई सारी पत्नियां होना, बहुविवाह, वो गैर कानूनन करवाया गया। हालांकि कुछ रिलीजन्स में जैसे इस्लाम मुसलमानों को अभी भी अलाउड है पॉलीगैमी, लेकिन हिंदुओं को वो इलीगल किया गया और महिलाओं को भी डिवोर्स का अधिकार दिया गया, ठीक है। इट वॉज अ लॉ दैट टुक वन स्टेप फॉरवर्ड कंसर्निंग वुमेन्स इश्यूज ओवर द फॉलोइंग डिकेड, महिलाओं को कई सारे अधिकार दिए गए और उनसे रिलेटेड जो समस्याएं हैं उस पर कई सारे अधिनियम बनाए गए, अधिनियम यानी कानून। द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1961 मेड बोथ गिविंग एंड टेकिंग ऑफ डाउरी कॉग्निजिबल क्रिमिनल ऑफेंस। जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, दहेज प्रतिबंध अधिनियम जो 1961 में बनाया गया, उसके अनुसार दहेज लेना और दहेज देना दोनों भी एक ऑफेंस यानी गुनाह डिसाइड किया गया, ठीक है, अपराध घोषित किया गया। दिस डिसमेंटल्ड द डाउरी ट्रेडिशन बाय इट्स रूट्स एंड फर्दर एनकरेज द सोशल डेवलपमेंट, इससे दहेज प्रथा काफी कम हुई और सामाजिक विकास होने लगा। द लॉ एलिवेटेड द डिस्ट्रेस टू वुमेन कॉज बाय द अनडिजायरेबल ट्रेडिशन ऑफ डाउरी, इससे जो दहेज की प्रथा थी उसमें काफी कमी आई।
द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट विच गेव वुमेन द राइट टू गेट लीव फ्रॉम वर्क एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ ऑल्सो केम इन टू फोर्स इन 1961. महिला कोई भी जब बच्चे को जन्म देती है तब उसे कुछ महीने आराम करना पड़ता है, तो उसके आराम के लिए वो कहीं पर भी अगर नौकरी कर रही है तो उससे छुट्टी लेने की प्रोविजन करवाई गई कुछ महीनों तक. तो ये 1961 में कानूनन अधिनियम के अनुसार उसे ये छूट दी गई कि उसे कुछ महीने तक छुट्टी दी जाएगी और फिर भी उसे नौकरी से नहीं निकाला जाएगा. अवेयरनेस अगेंस्ट डाउरी ट्रेडिशन, महिलाओं दहेज प्रथा के अगेंस्ट जन जागृति. इवन आफ्टर द एनैक्टमेंट ऑफ एंटी डाउरी लॉ इंसिडेंट्स लाइक वुमेन बर्न्स टू डेथ एज सारी पल्लू कैचेस फायर व्हाइल कुकिंग एंड वुमेन स्लिप्स इन टू वेल व्हाइल वॉशिंग क्लोथ्स ड्रॉन्स एंड डाइज कंटिन्यूज टू बी रिपोर्टेड. देखिए दहेज प्रथा के विरुद्ध कानून बनाने के बावजूद ऐसे न्यूज़ आती रहती थी न्यूज़पेपर्स में वगैरह कि कोई महिला के सारी के पल्लू को आग लगकर वो उसका मृत्यु हो गया या फिर महिला का पैर फिसल कर वो कुएं में गिर गई और डूबकर मर गई. तो ऐसा प्रतीत होता है कि उसके पीछे कुछ षड्यंत्र थे कि दहेज ना मिलने पर ऐसे मार दिया जाता था ऐसा उसके पीछे. फिर इन्वेस्टिगेशन स्टिल रिवील डाउरी टू बी द मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ सच डेथ्स. तो ऐसे डेथ्स होने के पीछे डाउरी ही कारण हो सकता है ऐसा माना जाता था. द रोल ऑफ द पोलिस द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द जुडिशियरी वेर हाईलाइटेड. तो महिलाओं को अधिकार देने में पुलिस की भूमिका, प्रशासन की भूमिका और न्यायालय की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है. दिस क्रिएटेड ग्रेटर अवेयरनेस, इससे काफी जनजागृति फैल गई. एज अ रिजल्ट द डाउरी प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट केम इन टू फोर्स इन 1984. उसके बाद और स्ट्रिक्ट बनाया गया डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, उसमें बदलाव करके अमेंडमेंट यानी बदलाव और 1984 में उसमें बदलाव किया गया और अधिक वो स्ट्रिक्ट किया गया. इन 1988 2209 वुमेन डाइड विक्टिम टू द डाउरी ट्रेडिशन. इन 1990 द नंबर ऑफ डाउरी डेथ्स वेर 4835. इन 1993 इट वॉज 5377. दीज नंबर्स विल इम्प्रेस अपॉन यू द सीरियसनेस ऑफ द इशू. देखिए धीरे धीरे 1988 में 2209 महिलाएं दहेज प्रथा के कारण मृत्यु हो गई उनकी. फिर 1990 में 4835 महिलाओं की मृत्यु हो गई. 1993 में 5377 महिलाओं की मृत्यु हो गई. इससे आपको इसका गंभीरता का अंदाज आएगा. आज भी ये कानून है लेकिन इसमें काफ़ी फेक केसेस दाखिल की जाती है. यानी बहुत सी महिलाएं, विवाहित महिलाएं ससुराल के लोगों को, पति को या ससुराल के लोगों को तकलीफ देने के लिए झूठी केसेस भी दायर करती है इसमें. तो इसके विरुद्ध भी काफी आवाजें उठाई जा रही है पुरुषों के द्वारा. फैमिली कोर्ट्स 1984. फैमिली कोर्ट्स वर एस्टेब्लिश टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स अराइजिंग आउट ऑफ डिफरेंसेस विद इन मैरिज एंड डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स एज वेल एज इश्यूज सच एज एलिमनी, सिंगल पेरेंटहुड, सेपरेशन, केयर ऑफ चिल्ड्रन एंड ओनरशिप विच आर ऑल रिलेटेड टू द फैमिली सिचुएशन. फैमिली कोर्ट्स यानी ऐसे न्यायालय जो कुटुंब से रिलेटेड होते हैं, परिवार से रिलेटेड समस्याएं सॉल्व करने के लिए होते हैं. जैसे कैसे समस्याएं, जैसे मैरिज से रिलेटेड जो कानून बनाने का अधिकार होता है या फिर जो घरेलू हिंसा की समस्याएं होती है, घरेलू समस्याएं होती है जैसे एलिमनी यानी अगर कोई डिवोर्स होता है तो उसके बाद उस महिला को कितने पैसे देने हैं वगैरह. उसके बाद सिंगल पेरेंटहुड यानी कोई महिला अगर अकेली माँ है या फिर कोई पुरुष अगर अकेला बाप है यानी उसका डिवोर्स हो चुका है और वो अकेला पाल रहा है अपने बच्चों को तो उसके लिए क्या कानून है. सेपरेशन यानी कितना सेपरेशन होने चाहिए डिवोर्स के लिए पति और पत्नी के बीच में, कितने वर्षों का, फिर कितने समय का, यानी फिर बच्चों की केयर कौन करेगा, पति करेगा या पत्नी करेगा, उनका उन पर अधिकार किसका होगा, ये सब आता है फैमिली सिचुएशन में फैमिली कोर्ट्स के अंडर. दीज फैमिली कोर्ट्स गिव प्रायोरिटी टू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ओवर विटनेसेस एंड एविडेंस एंड टू काउंसिलर्स ओवर लॉयर्स. तो ये फैमिली कोर्ट जो होते हैं वो आपसी समझौते से झगड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, जो भी साक्ष्य और प्रमाण हैं
यानी जो भी सबूत और गवाह है उसके अनुसार काउंसिलर्स की मदद से समझाने के लिए काउंसिलर्स होते हैं और जो वकील होते हैं उनकी मदद से समझाया जाता है। एम्फसिस इज ऑन रिजॉल्विंग इश्यूज क्विकली बट जस्टली, जल्द से जल्द समस्याएं सॉल्व करने की, ताकि अगर लंबा समय लगेगा, हमारे देश में तो कोर्ट जो है वो काफी वर्षों तक चलते रहते हैं, 20, 25, 30 साल समस्याएं चलती, मतलब केसेस चलते रहते हैं, तो ऐसा तो नहीं चलेगा फैमिली कोर्ट्स में, जल्दी निर्णय देना होगा। तो इसके लिए जल्दी केस सॉल्व करना और न्यायपूर्वक निर्णय देना, ये इस पर महत्व दिया जाता है। ठीक है, ट्रायल इन्वॉल्विंग एलिमनी 1985, एलिमनी यानी जो डिवोर्स के समय पति को पत्नी को अपने कुछ पैसे देने पड़ते हैं, या फिर उसे जिंदगी भर हर महीने उससे कुछ पैसे देने पड़ते हैं, उसे बोलते हैं एलिमनी। अ फिक्स्ड अमाउंट पेड टू अ मैरिड वुमन बिफोर फॉर हर अपकीप बाय हस्बैंड हु हैज डिवोर्स्ड हर इज कॉल्ड एलिमनी, तो उसे बोलते हैं एलिमनी। जो पैसा डिवोर्स के बाद पति अपने पत्नी को देता है उसे बोलते हैं एलिमनी। इन द केस ऑफ मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम द सुप्रीम कोर्ट गेव द वर्डिक्ट दैट शाह बानो बेगम हैड द राइट टू एलिमनी। तो ऐसी एक केस आई थी मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम, ये पति पत्नी थे तो उनके बीच में डिवोर्स हो चुका था, तो सुप्रीम कोर्ट ने, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्ण विचार के बाद ये निर्णय दिया था कि जो पत्नी थी शाह बानो बेगम उसे कुछ एलिमनी मिलनी चाहिए, कुछ पैसा उसके पति से मिलना चाहिए, ऐसा निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। हाउएवर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस प्रोटेस्टेड वोसिफेरसली अगेंस्ट द वर्डिक्ट, लेकिन जो मुल्ला मौलवी थे, जो रिलीजियस जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा उसके विरुद्ध में आवाज़ उठाई और आंदोलन किया, बहुत उग्र आंदोलन किया। एज अ रिजल्ट द मुस्लिम वुमेन्स एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स वॉज पास बाय द पार्लियामेंट। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने, जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने जो पूर्ण विचार के बाद जो निर्णय दिया था, जो उसके साथ न्याय कर रहा था, शाह बानो बेगम के साथ जो जस्टिस दे रहा था, उसे न्याय कर रहा था, वो निर्णय उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक तरफा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उलट दिया पार्लियामेंट में कानून पास करके, अपने मेजॉरिटी का मिसयूज करके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कानून को उलट दिया। ठीक है, और ये मुस्लिम वुमेन्स एक्ट पास कर दिया, और जो उसे एलिमनी मिलनी थी, जो उसे पैसा मिलने वाला था डिवोर्स के बाद, वो भी उसे वापस करवाना पड़ा पार्लियामेंट में, ऐसा अन्यायकारक कानून बनवाकर। द कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट, सती प्रिवेंशन एक्ट, ऑन 4 सितंबर 1987 रूप कंवर अ मैरिड वुमन कमिटेड सती। देखिए, 4 सितंबर 1987 में रूप कंवर नाम के एक महिला ने सती कमिट किया था। शी डिड नॉट डू दिस ऑफ हर ओन फ्री विल, शी वॉज कोर्स्ड इन टू डूइंग सो। तो उसने अपने इच्छा से ये नहीं किया था, उस पर दबाव लाकर ये करवाया गया था। कमिटिंग सती, ग्लोरिफाइंग द प्रैक्टिस ऑफ सती वेर ऑल इलीगल एक्ट्स। तो सती करना या फिर सती प्रथा को ग्लोरीफाई करना, यानी उसका उदात्तीकरण, यानी उसको ग्लोरीफाई करना, उसे बहुत अच्छा है ऐसा कहना, ये दोनों काम जो है अवैध करार दिए गए। द वुमेन एक्टिविस्ट्स एंड जर्नलिस्ट मीना मेनन, गीता शेषु, सुजाता आनंदन, अनु जोसेफ एंड कल्पना शर्मा इन्वेस्टिगेटेड द केस। तो ये जो महिला कार्यकर्ताएं थे उन्होंने इस केस की इन्वेस्टिगेशन किया। In 1998, the government passed the Sahi Sati Prevention Act with very stringent provisions. तो 1998 में सरकार ने, उस समय के सरकार ने सती को रोकने के लिए कानून बनाया, अधिनियम बनाया, और उसमें काफी कड़े प्रावधान किए गए। Protection of Human Rights Act. In 1997, this law was enacted to prevent injustice to women and men. तो महिलाओं और पुरुषों के साथ होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए 1993 में ये कानून बनाया गया, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वाज आल्सो फॉर्म्ड फॉर दिस पर्पस। तो इसके लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इन सम स्टेट्स द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन वाज आल्सो फॉर्म्ड ऑन द सेम लाइंस। तो कुछ राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग की भी स्थापना इसी रास्ते में की गई।
दिस लॉ विच डील्स विद कलेक्टिव ऑपरेशन द सोशल कंडीशन ऑफ डिवोर्स्ड वुमेन मेन एंड सिक्योर वर्क प्लेसेस प्लेड एन इफेक्टिव रोल इन मिटिगेटिंग इनजस्टिसेस टू वुमेन। तो इसके अनुसार, इस कानून के अनुसार क्या हुआ ये कि जो ऑप्रेसिव पॉलिसीज थी, यानी जो दबाने की पॉलिसीज थी, अन्य अत्याचार करने की, उसको बदलना पड़ा। फिर जो डिवोर्स महिलाएं हैं उनके साथ ठीक से बर्ताव होना चाहिए, इसके लिए कानून बनाए गए। फिर महिलाओं के साथ जो नौकरी के जगह हैं, उनके जहां पर वो नौकरी के लिए जाते हैं वहां पर उन्हें सुरक्षितता दी गई, और महिलाओं के साथ बाकी जो अन्याय होते हैं उसके विरुद्ध लड़ने के लिए भी नियम बनाए गए। रिजर्वेशन फॉर वुमेन, द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ 1/3 ऑफ द सीट्स फॉर वुमेन इन ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, म्युनिसिपालिटीज एंड म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस, एज वेल एज फॉर द पोस्ट ऑफ सरपंच, चेयरमैन एंड मेयर। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 73rd और 74th अमेंडमेंट की गई, अमेंडमेंट यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो बदलाव करते हैं उसे बोलते हैं अमेंडमेंट। तो 73rd और 74th अमेंडमेंट जो थी कॉन्स्टिट्यूशन में, वो विशेषतः इसके लिए बनाई गई कि महिलाओं को जो ग्राम पंचायत, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज जो होती है, यानी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, महानगर पालिका वगैरह, वहां पर उन्हें 1/3 सीट्स का आरक्षण दिया गया, यानी 33% सीट्स उन्हें, उनके लिए आरक्षित रखी गई। यानी अगर नगर सेवक है किसी शहर में, महानगर पालिका में 100 नगर सेवक है, तो उसमें से अगर 99 नगर सेवक है समझ लिए, तो उसमें से 33 नगर सेवक कंपलसरी महिलाएं होनी चाहिए, ऐसा कानून बनाया गया। और रोटेशन के तहत सरपंच और चेयरमैन, मेयर यानी महापौर का पद उनको दिया गया। महाराष्ट्र एंड 15 अदर स्टेट्स हैव रिजर्व 50% सीट्स फॉर वुमेन। महाराष्ट्र में तो लोकल जो गवर्नमेंट है उसमें 50% सीट्स जो है आरक्षण है महिलाओं के लिए। दिस प्रोविजन प्रोवाइड्स वुमेन द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द बिजनेस ऑफ द कम्युनिटी। तो इससे महिलाओं को एक मौका मिला उस जो है पब्लिक प्लेसेस में उन्हें सहभागी होने का। इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वुमेन। स्वतंत्रता के बाद हमारे भारत के संविधान ने स्त्री पुरुष समानता, उन्हें समान दर्जा देने का तत्व स्वीकृत किया। हेंस वुमेन गॉट द इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल राइट टू वोट। इससे महिलाओं को हमारे देश के वोटिंग का अधिकार मिला, मताधिकार प्राप्त हुआ। हमारा पहला देश है पूरे विश्व में जिस देश ने स्वतंत्रता के तुरंत बाद महिलाओं को भी वोटिंग का अधिकार दिया। बाकी ऐसा अमेरिका में भी नहीं, उन्हें जब स्वतंत्रता मिली थी तब वहां के महिलाओं को नहीं था अधिकार वोटिंग का, ना ही इंग्लैंड में था। वुमेन गॉट इक्वल राइट्स टू एजुकेशन एंड वर्क ऑन पार विथ मैन। महिलाओं को भी समान अधिकार प्राप्त हुआ, समान शिक्षा प्राप्त करने का, उन्हें नौकरी करने का अधिकार प्राप्त हुआ। इन ह्यूमन प्रैक्टिसेस लाइक सती, डाउरी एंड पॉलीगैमी वेर बैंड बाय लॉ। तो कुछ अमानवीय परंपराएं जैसे सती की, दहेज की प्रथा, या पॉलीगैमी यानी बहुपत्नी प्रथा, यानी एक ही पति के कई सारी पत्नियां, वो कानूनन उस पर पाबंदी लगवाई गई। लेकिन पॉलीगैमी जो है, बहुपत्नी प्रथा जो है, वो अभी भी मुस्लिम पुरुषों के लिए अलाउड है। वुमेन्स राइट टू सू फॉर डिवोर्स वॉज रिकॉग्नाइज। तो महिलाओं को डिवोर्स के लिए अप्लाई करने का भी अधिकार दिया गया। दे गॉट अ लॉफुल शेयर इन प्रॉपर्टी। उन्हें पिता के प्रॉपर्टी में, पिता और पति के प्रॉपर्टी में उन्हें अधिकार प्राप्त हुआ, संपत्ति में। इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज सीट्स वेर रिजर्व फॉर वुमेन सो दैट दे वुड हैव देयर जस्ट शेयर ऑफ पॉलिटिकल पावर। महिलाओं को लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में, जैसे ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो, महानगर पालिका हो, वहां पर उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, इसलिए उन्हें आरक्षण दिया गया। डू यू नो वुमेन चीफ मिनिस्टर्स इन इंडिया। महिलाएं जो मुख्यमंत्री रही, ऐसे नाम है, सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री,
नंदिनी सतपथी ओडिशा, जयललिता तमिलनाडु, मायावती उत्तर प्रदेश, वसुंधरा राजे राजस्थान, ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल, राबड़ी देवी बिहार, आनंदीबेन पटेल गुजरात, शीला दीक्षित दिल्ली, महबूबा मुफ्ती सईद कश्मीर, उमा भारती मध्य प्रदेश, राजेंद्र कौर भट्टल पंजाब, सुषमा स्वराज दिल्ली, शशिकला काकोडकर गोवा, सईदा अनवर तैमूर आसाम, जानकी रामचंद्रन तमिलनाडु, वेयर आर ऑल द वुमेन हु हैव लेड द स्टेट्स एज चीफ मिनिस्टर, ये सारी महिलाएं मुख्यमंत्री रह चुकी है। हमारे राज्य को महाराष्ट्र को अभी तक कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं मिली, आगे देखते हैं। डू यू नो अ डेमोन्स्ट्रेशन वॉज हेल्ड इन न्यूयॉर्क ऑन 8th of March 1957। न्यूयॉर्क में एक आंदोलन किया गया था महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए 8 मार्च 1857 को। इट वॉज द फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन बाय वर्किंग वुमेन एंड इट्स डिमांड्स वेयर फॉर फ्यूअर वर्किंग आवर्स, प्रॉपर रिमुनरेशन, प्रोविजन ऑफ क्रेशेस एटसेट्रा। तो उनकी मांगे क्या थी, जो वर्किंग वुमेन थे, जो काम करने वाली महिलाएं थी, उनकी मांगे थी कि कम घंटे होने चाहिए काम के, उन्हें प्रॉपर रिमुनरेशन यानी उसका पैसा मिलना चाहिए ठीक से, क्रेशेस यानी बच्चों को रखने के लिए जो प्ले ग्रुप्स या फिर क्या कहते हैं उसे जो केयर टेकिंग के होम्स होते हैं, पालना घर जाला म्हणतात क्रेशेस, उस वो भी बनाए जाने चाहिए, ऐसी मांगे थी उनकी। ऑन 8th of March 1909 वुमेन वेंट ऑन स्ट्राइक फॉर द वेरी सेम डिमांड्स। 8 मार्च 1909 में भी महिलाओं ने इसी मांगे रखकर आंदोलन किया था। दैट इज वाई दिस डे वॉज डिक्लेयर्ड एज द वुमेन्स स्ट्रगल डे एट द वुमेन्स सोशलिस्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन डेनमार्क। तो इसके कारण 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया, वुमेन्स सोशलिस्ट इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस रखी गई थी डेनमार्क में। द ईयर 1975 वॉज ऑब्जर्व एज द इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर एंड इन 1977 8 मार्च वॉज डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल वुमेन्स डे बाय रेजोल्यूशन पास इन द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो 8 मार्च को 1977 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके महासभा में ये पास किया गया रेजोल्यूशन। वी सी टूडे दैट ड्यू टू दीज प्रोविजन्स वुमेन हैव बिगन टू गेट एजुकेशन एंड टू अर्न। इससे क्या हुआ है, महिलाओं को शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं वो, और वो कमा भी रही है। ऑल्सो ड्यू टू आइडियाज ऑफ वुमेन लिबरेशन वुमेन आर डेवलपिंग अ सेंस ऑफ सेल्फ। महिला मुक्ति के आइडियाज के कारण क्या हुआ है, महिलाओं को सेल्फ रिस्पेक्ट प्राप्त हुई है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का ये डिसाइड हुआ है। दे हैव बिगन टू पार्टिसिपेट एंथुजियास्टिकली एंड विद डिटर्मिनेशन इन ऑल फील्ड्स ऑफ एजुकेशन, अर्निंग मनी, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स एटसेट्रा। वो सभी समाज के जो तबके हैं वहाँ पर वो सहभागी हो रही है, जैसे शिक्षा क्षेत्र में या फिर पैसा कमाने के क्षेत्र में या प्रशासन में, फिर राजनीति में, सभी क्षेत्रों में वो आ रही है। शेड्यूल्ड कास्ट इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड Our constitution adopted the values of freedom, equality, fraternity and social justice. स्वतंत्रता मिलने के बाद हमारे संविधान ने स्वतंत्रता, समानता, fraternity यानी बंधुता, सब हम एक बंधुभाव है, हम ब्रदर्स है एक दूसरे के, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है, फिर सामाजिक न्याय, ये principles, ये तत्व लागू किए। In accordance with this, the practice of untouchability was banned by law. तो इसके अनुसार क्या हुआ, अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी यानी कुछ लोगों को छूते नहीं थे, अछूतता, वो लॉ भी बैन करवा गया। अनटचेबिलिटी वॉज रिमूव्ड बाय द 17th पैराग्राफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड धिस क्लास वॉज इंक्लूडेड इन द शेड्यूल कास्ट। तो जो अस्पृश्य लोग थे, अछूत लोग थे, वो पाबंदी करवाई गई उस पर, और उन लोगों को शेड्यूल कास्ट में यानी अनुसूचित जातियों में उन्हें क्लासिफाई किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। इन व्यू ऑफ द एजुकेशनल एंड सोशल बैकवर्डनेस ऑफ दीज कास्ट दे वर गिवन रिजर्वेशंस इन एजुकेशन एज वेल एज जॉब्स टू फैसिलिटेट देयर डेवलपमेंट। तो उन्हें शिक्षा क्षेत्रों में उन्हें आरक्षण दिया गया, उन्हें सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण दिया गया, ठीक है, ताकि उनका विकास हो सके। शेड्यूल ट्राइब्स
जस्ट लाइक द शेड्यूल्ड कास्ट, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स और आदिवासीज हु लिव इन रिमोट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ऑल्सो फेस सेवरल डिफिकल्टीज. शेड्यूल ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजातियाँ, यानी जो वनवासी लोग होते हैं, जो वनों में रहते हैं, उनका भी विकास करने के लिए उन्हें आरक्षण दिया गया. एज दे हैव लिव्ड फार अवे फ्रॉम द प्रोग्रेस मेड इन मॉडर्न टाइम्स, दे आर इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड. तो उनको वो जो जंगलों में रहने के कारण वो जो आधुनिक जीवन है उससे काफ़ी दूर है, उनका आधुनिक जीवन से परिचय नहीं हो चुका, आधुनिक समाज में नहीं वो आ सके. तो इसके कारण इवन दो देयर कंडीशंस हैव बीन सम इम्प्रूवमेंट इन रिसेंट टाइम्स, दे डू नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ लाइवलीहुड अदर देन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस. तो वो इतने वर्षों से खेती ही करते आ रहे हैं और जंगलों में उनका वो रहते हैं और उनका जो जंगलों से प्राप्त होता है प्रोडक्ट्स, जैसे क्या कहते हैं उससे, गोंद हो, डिंक जाला म्हणता, या फिर शहद हो, मध, लैक हो, लाख, ये प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनसे प्राप्त किया जाता है जंगलों से, तो उस पर वो निर्भर होते हैं. मॉडर्न फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स हैव नॉट येट रीच देम. तो जो मॉडर्न खेती के जो टेक्निक्स होती है वो अभी तक उन तक पहुंच नहीं पाई है. हैंज देयर इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इज वेरी स्मॉल. तो उनका जो इनकम होता है खेती से वो काफ़ी कम होता है. बिसाइड्स देयर फील्ड्स आर ऑन हिल साइड्स एंड नॉट फर्टाइल. उनकी जो खेती होती है वो एक तो पहाड़ों में होती है, उसके कारण वो इतनी फर्टाइल भी नहीं होती, क्योंकि पहाड़ों से पानी बह जाता है तो वो इतनी उपजाऊ नहीं होती. दे आर माल नरिश्ड ड्यू टू इनसफिशियंट एंड पुअर क्वालिटी ऑफ डाइट. उनमें वो कुपोषित होते हैं क्योंकि उन्हें उनका जो अन्न होता है वो पूरे न्यूट्रिएंट्स से भरपूर नहीं होता. आदिवासीज इन रिमोट एरियाज फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट मेडिकल अटेंशन इन टाइम. जो आदिवासी वनवासी होते हैं लोग, आदिवासी ये टर्म एक्चुअली गलत है, वनवासी शब्द होना चाहिए. तो वनवासी लोग जो होते हैं वो दूर रहते हैं गांव से, शहरों से, तो उन्हें समय पर हॉस्पिटल की सुविधाएं नहीं मिलती जब अर्जेंट होता है, इमरजेंसी होता है तब. फॉर ऑल दीज रीजन्स देर इज अ नीड टू गिव स्पेशल प्रोटेक्शन टू आदिवासीज. तो इसके कारण इन वनवासियों को विशेष संरक्षण देने की आवश्यकता है. इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आदिवासीज हैव बीन एनुमरेटेड एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स. तो इन वनवासियों को भारतीय संविधान में विशेष दर्जा दिया गया है शेड्यूल्ड ट्राइब्स का, ST. दे आर गेटिंग गिवन रिप्रेजेंटेशन इन लॉ बोर्ड्स, एजुकेशन, गवर्नमेंट सर्विस एट्सेट्रा. हमारे विधानसभा में, हमारे लोकसभा में, हमारे राज्यसभा में, हमारे संसद में, फिर जो है हमारे शिक्षण संस्था में, हमारे सरकारी नौकरियों में उन्हें आरक्षण दिया गया है. नोमैडिक एंड डी नोटिफाइड ट्राइब्स, कास्ट एंड ट्राइब्स दैट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर लाइवलीहुड आर इंक्लूडेड अंडर नोमैडिक ट्राइब्स. कुछ जो जातियाँ हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते फिरते रहती है, एक स्थान पर फिक्स नहीं रहते, तो उनके लिए भी हमारे संविधान में उनके साथ भी न्याय किया है. दे लिव बाय रियरिंग एनिमल्स एंड एंगेजिंग इन सम अदर ऑक्यूपेशंस. पशुपालन करके वो जानवरों को पाल के, उन्हें पोस के वगैरह वो अपना गुजारा बसारा करते हैं. द ब्रिटिश हैड डिक्लेयर्ड सम ऑफ देम एज क्रिमिनल ट्राइब्स. कुछ यानी ब्रिटिशों ने क्या किया था, कुछ जमातियों को बाय बर्थ क्रिमिनल्स घोषित किया गया था. यानी जन्म के साथ ही उस जाति में जो जन्मेगा उनको जन्म के साथ ही एक क्रिमिनल, एक अपराधी घोषित किया गया था, और उन्हें 3 दिनों से ज़्यादा एक स्थान पर रहना पाबंदी की गई थी, और जब जिस गांव में भी जाएंगे वहां पर उन्हें पुलिस स्टेशन में अपना नाम लिखना पड़ता था कि मैं अभी यहां पर हूँ. ऐसे कानून बनाए गए थे, ऐसे अन्यायकारक कानून ब्रिटिशों ने बनाए थे तब भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद. जो है ये जो वनवासी लोग हैं, जो पिछड़े हुए जातियों के लोग हैं, उनके साथ भी न्याय किया गया, जो जिनके साथ ब्रिटिशों ने काफ़ी अन्याय किया गया था. In the law of 1871 to curb crime, some of the main groups were mentioned as criminal tribes and their occupations and movements were banned. तो criminal tribes घोषित किया गया था. कुछ जातियों को उस जाति में जो भी जन्मेगा उसे
बाय बर्थ उसे गुनहगार घोषित किया जाएगा, ऐसे कानून ब्रिटिशों ने बनाए थे। तो ये सब बदल दिया गया स्वतंत्रता मिलने के बाद। दिस अनजस्ट वॉर वॉज रिपील्ड इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड एंड द कर्ब्स ऑन दीज ट्राइब्स वेर लिफ्टेड। इन पर जो पाबंदियां थी, ब्रिटिशों ने जो अत्याचार किया था उन पर जो पाबंदियां डाली थी वो सभी उठा ली गई। दे वेर इंक्लूडेड अंडर डी नोटिफाइड ट्राइब्स, तो उन्हें भी हमारे संविधान में सम्मान का दर्जा दिया गया। स्पेशल एफर्ट्स आर मेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ देयर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उनके आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए कई सारे प्रावधान किए गए। दीज ट्राइब्स हैव बीन गिवन रिप्रेजेंटेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड द गवर्नमेंट सेक्टर, उन्हें भी शिक्षा क्षेत्र में और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया है। माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक। इन एनी सोसाइटी अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन लैंग्वेज और रेस हु आर फ्यू इन नंबर आर टर्म्ड एज माइनॉरिटी। कोई किसी भी समाज में किसी पर्टिकुलर रिलीजन के, किसी पर्टिकुलर भाषा बोलने वाले या किसी पर्टिकुलर रेस के लोग यानी किसी वंश के लोग एक माइनॉरिटी होते हैं। एज देर आर वेरियस रिलीजन सेक्ट्स एंड लैंग्वेजेस इन अवर कंट्री वी सी ग्रेट डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी। हमारे देश में कई सारे धर्म मिलजुल कर रहते हैं, कई सारे संप्रदाय, कई सारे भाषा के लोग मिलजुल कर रहते हैं, इसके कारण हमारे देश में बहुत विविधता है। देर इज वेरिएशन इन कल्चरल ट्रेडिशंस टू, तो परंपराओं में भी अंतर आता है। इन ऑर्डर टू प्रिजर्व देयर कल्चरल ट्रेडिशंस एंड डेवलप देयर ओन लैंग्वेज द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द सिटीजन्स सर्टन एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स। तो जो माइनॉरिटीज होते हैं, जो अल्पसंख्यक यानी कम संख्या में जो लोग होते हैं, उन्हें उनकी भाषा का संरक्षण करने का, उन्हें अपनी परंपराओं का संरक्षण करने का अधिकार दिया गया है। उनके लिए अपने शिक्षा संस्थाएं बनाने का भी अधिकार दिया गया है। माइनॉरिटीज हैव द राइट टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देयर लैंग्वेज कल्चर एंड ट्रेडिशंस, उन्हें अपनी भाषाओं का, अपनी संस्कृतियों का, अपनी परंपराओं का रक्षा करने का अधिकार है। फॉर दिस पर्पस दे हैव द राइट टू सेट अप सेपरेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, तो उन्हें भी अपने शैक्षणिक संस्थाएं बनाने का अधिकार है। जैसे क्रिश्चियनों का क्रिश्चियन स्कूल्स होते हैं, जैसे मॉन्टेसरी स्कूल होते हैं, ठीक है, वहाँ पर क्रिश्चियन एजुकेशन दिया जाता है। मुसलमानों का मदरसा होता है, ठीक है। वैसे हिंदुओं को ये अधिकार नहीं है कि अपने धार्मिक शिक्षा देने वाले इंस्टीट्यूशंस बनाए जाए, लेकिन माइनॉरिटीज को ऐसे अधिकार है, ठीक है। हिंदू नहीं बना सकते अपने धार्मिक शिक्षा देने के संस्थाएं। द गवर्नमेंट इंप्लीमेंट्स वेरियस स्कीम्स फॉर देयर प्रोग्रेस, उनके विकास के लिए सरकार काफी प्रावधान करती है। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द प्रोग्रेस दैट इंडिया हैज मेड इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। तो अगले चैप्टर में हम विज्ञान में क्या प्रगति की है स्वतंत्रता के बाद, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर यह चैप्टर समाप्त होता है। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ जाए।